I'd like to remind you once again, chapter 13, 14, 15, 16, 17. These five chapters are together. It is known as the upper room ministry. There, when we come to chapter 16, we study many things about the Holy Spirit of God. Of course, there are some references in chapter 14 and 15. We will consider that also. But in 16, the Lord Jesus spoke about the Holy Spirit of God. इस अध्याय के अंदर पवित्र आत्मा के बारे में पवित्र आत्मा का वर्तमान मिनिस्ट्री के बारे में आज का उनका सेवा के बारे में पवित्र आत्मा का काम क्या है इसके बारे में काफी बातें इधर यीशु बोला। इससे पहले इस अध्याय के अंदर समय के साथ जोड़ा हुआ बहुत बातें हैं। यीशु को एक टाइम टेबल था, वो टाइम टेबल यीशु और एक बार इधर शिष्यों को खोल के दिखाता है। इसलिए हम पहले जो समय के बारे में आने वाले समय में जो जो घटनाएं होने वाला है उनके साथ उनका शिष्यों के साथ उनके बारे में उसके बारे में कई बातें इधर बताया वो हम देखेंगे। सो देयर आर मेनी रेफरेंसेस अबाउट द टाइम मेन इवेंट्स व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन हिज लाइफ एंड आल्सो इन द लाइव्स ऑफ हिज डिसिपल्स। सो वी विल सी फर्स्ट It is not given in sequence. We will try to make it in sequence. Verse 5 and 28. Panjwa kalam or Attaiswa kalam. But now I go my way to him that sent me. We'll stop there. We'll see the rest of the verse afterwards. Ab main apne bhejne wale ke paas jata hu. Okay, verse 28. I came forth from the Father, and I am come into the world. मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूं। जब यीशु ये बोलते समय में 33 साल पुराना बात है, आज 2000 साल पहले का बात है। 2000 years before this happened, Jesus says, I came from the Father and I came into this world. दूसरे कोई मनुष्य ऐसा बोल नहीं सकते जो बोले मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूं। और इनका मनुष्यावतार के बारे में प्रभु और एक बार बोल रहा है, साथ साथ प्रभु बोलना चाहते हैं मनुष्य अवतार के पहले का जीवन प्री एक्सिस्टेंस बैतलहम से पहले उनका जीवन के बारे में बता रहा है। विल गो टू द सेकंड आइटम इन द टाइम टेबल वर्स 32 32 इंग्लिश में ऐसा लिखा है, बिहोल्ड द आवर कम्स ए इज नाउ कम एंड यू शैल बी स्कैटर्ड एवरी मैन टू हिज ओन एंड शैल लीव मी अलोन दैट आई एम नॉट अलोन बिकॉज द फादर इज विद मी। देखो वो घड़ी आती है पर ना पहुंची कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दे।
इधर यीशु मसीह थोड़े ही समय के अंदर जब उनको अरेस्ट करते समय में इन शिष्यों का प्रतिक्रिया क्या होगा, व्हाट विल बी द रेस्पॉन्स, हाउ दिस डिसाइपल्स आर गोइंग टू बिहेव व्हेन जीसस इज अरेस्टेड एंड टेकन टू द कोर्ट। यीशु बोल रहा है वो तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दे, उन लोग चले जाएंगे, डर जाएंगे और भाग जाएंगे, उसके बारे में प्रभु बताए। दूसरा बात 16 कल लिटिल वाइल एंड यू विल नॉट सी मी एंड अगेन अ लिटिल वाइल यू विल सी मी बिकॉज आई गो टू द फादर। A little while and you shall not see me, and again a little while you shall see me. Thodi der tum mujhe na dekhoge, baad mein jo kalam hai uske saath jod ke padhega to humko malum hai Yeshu uska maran ke bare mein bata raha tha. Thodi samay ke liye Yeshu ko un log dekh nahi sakte, unka maran ke bare mein. और उसी कलम में थोड़ी देर में मुझे देखोगे, एंड यू शैल सी मी बिकॉज आफ्टर अ लिटिल वाइल यू विल सी मी अगेन। उनका पुनरुत्थान के बारे में यह बताया। तो जीसस इज सेइंग ही विल बी अरेस्टेड, देन द डिसाइपल्स विल run for their life, then he will be buried for a little while, the disciples cannot see him, then after a little while they will see him again. So Jesus is talking about his arrest and the reaction of his disciples, then his death, then his resurrection, and his disciples will be able to see him again. Panch aur 28 aur ek baar hum padhenge 5 and 28, panch mein likha hai, but now I go away to him who sent me. 28 में लिखा है, I came forth from the Father and I come into the world. And again I leave the world and go to the Father. 28 में लिखा है, मैं पिता के पास वापस जाता हूं। उसका असेंशन के बारे में बता रहा है, स्वर्गारोहण के बारे में बता रहा है। मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूं, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। I leave the world and go to the Father। और अब समझना है ये कौन बता रहा है। मनुष्य के दृष्टि में हमारे जैसा एक इंसान है, मनुष्य मनुष्य है तो ऐसा बात कैसा बोल सकते हैं। उसका पुनरुत्थान के बारे में बता रहा है, उसके बाद बता रहा है मैं पिता के पास वापस जाऊंगा। He is talking about his ascension. आखिरी में पहले 7 और 13 7 और 13 में इधर प्रभु स्वर्ग में पहुंचने के बाद ही पवित्र आत्मा को भेजेंगे।
Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. If I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. So, Jesus going back to heaven, then after 10 days, he has sent the Holy Spirit. So there we see again the timing of God. Future, the Holy Spirit will come here to undertake the work, the ministry, and the Holy Spirit will continue the work. Finally, verse 2 and 33. The disciples experience in the future. Verse 2. They will put you out of the synagogues. Yes, the time is coming that whoever kills you will think that you offer God service. They shall put you out of the synagogues. The time comes that whoever kills you will think that he doth God's service. तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा तो ईश्वर का सेवा करते। Verse 33 में लिखा है, These things I have spoken unto you that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. मैंने बातें तुमसे इसलिए कही हैं, तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु टाटस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। इधर यीशु मसीह बोले अपना शिष्यों का अनुभवों के बारे में, उनका प्रभु आने की जब वापस जाने के बाद उनका अनुभव क्या होगा। इधर प्रभु बोला है तुमसे आराधनालय से निकालेंगे, तुमको मार डालेंगे, कई क्लेश तुमको अनुभव करना पड़ेगा। ये भी प्रभु पहले से बोल रहा है। ये 2000 साल मंडली का अनुभव है, पीढ़ी से पीढ़ी विश्वासी लोग विश्वास के लिए सत्य के लिए कितना बड़ा कीमती चुकाना पड़ा, कितना बड़ा मूल्य देना पड़ा। उनको अपना घर से विश्वास के कारण निकाल दिया, आराधनालय से निकाल दिया, बहुत लोगों को अपना जीवन देना पड़ा, कई प्रकार का क्लेश विश्वास के कारण लोगों को सामना करना पड़ा। इधर एक बात बोल के हम आगे बढ़ेंगे। ये आखिरी कलम में ये 33 में लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ये क्लेश और मत्ती 24 में जो क्लेश ट्रिबुलेशन, You will have tribulation in this world. This tribulation is the experience of the believers throughout this 2000 years. Whereas the great tribulation is only for 7 years and it will be much more severe than what the church experienced all these years. That we have to bear in mind. दोनों क्लेश अलग है। इधर जो क्लेश के बारे में बताया वो क्लेश पिछले 2000 साल मंडली लगातार अनुभव किया हुआ बात है, विश्वासियों को अनुभव करना पड़ेगा। जो ट्रिबुलेशन के बारे में मत्ती 24 में
और रेवलेशन में हम पढ़ते हैं वो 7 साल के लिए, लंबा समय के लिए नहीं है। ये दोनों का फर्क है, वो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अभी देख लीजिए 12वां कलम में यीशु बोल रहा है, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. मुझको अभी बहुत बातें, तुमको खाना है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। प्रभु उनको बहुत बातें सिखाना चाहता, और मैं विश्वास करता हूं पत्रियों में बदा के दिया हुआ बहुत बातें यीशु उस समय उनको सिखाना चाहता था, उन लोग ले नहीं सकता था, इसलिए प्रभु उनको बोला नहीं। इसके साथ दूसरा एक कलम युगना 3:12 में है, जॉन 3:12 ये भी हम ध्यान में रखने का एक बात है। I have told you earthly things and you believe not. How shall you believe if I tell you of heavenly things? जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? पृथ्वी का बातें समझ नहीं सकता है, तो प्रभु बोल रहे हैं मैं तुमको बहुत स्वर्गीय बातें बोल के देना चाहता था। पृथ्वी के बातें तुमको समझ में नहीं आता है, फिर कैसा स्वर्गीय बातें समझ सकते हैं? इसलिए दोनों हमको समझने का बात है। प्रभु हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, हम सीखने का तैयारी में है तो सिखाएंगे, इसलिए हमें तैयार करना है प्रभु से सीखने के लिए। दूसरा बात इधर है, प्रभु का वचन में स्वर्गीय बातें बहुत है, भविष्य के साथ जोड़ा हुआ बहुत बातें हैं, ये सब हमको समझने का है, प्रभु हमसे चाहते हैं, ले उसके लिए भी हम तैयार होना, मानसिक रीति में आत्मिक रीति में हम तैयार होना, मुझको ये जानना है, ये सीखना है, ये स्वर्गीय बातें मैं जानना चाहता हूं, प्रभु मुझको और बातें सिखाए। और कोई भी विश्वासी कभी भी ऐसा सोचना है मैं सब कुछ सीख लिया हूं, अभी मुझको आगे कुछ सीखने का नहीं है, ऐसा नहीं है। हम पूरा हमारा जीवन काल में कितना भी सीखे फिर भी पूरा बातें हम सीख नहीं सके, उतना बातें प्रभु का वचन के अंदर है। इसलिए हम निरंतर प्रार्थना पूर्वक प्रभु के पास आना है, प्रभु मैं और सीखना चाहता हूं, मुझे सिखाइए, और स्वर्गीय बातें जानना चाहता हूं, मुझको सुनाइए, ऐसा प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु के सामने बैठना। ठीक है, अभी बाकी समय के अंदर पवित्र आत्मा के विषय में इधर से कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूं। पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु ये तीनों अध्याय में बोला है, 14, 15 और 16 तीनों अध्याय में, ये तीनों अध्यायों में ही पवित्र आत्मा के बारे में बताया, दूसरा कोई सुवार्ता में
हम पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा पढ़ता नहीं। इधर हम पहला बात इधर देखते हैं 16 का 7 में, Nevertheless I say to you the truth, it is to your advantage that I go away. If I do not go away, the helper will not come to you. तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। इधर पवित्र आत्मा का एक सेवा है, हेल्पिंग है, सहायक है। और इंग्लिश में हेल्पर लिखा है, हिंदी में सहायक है। और दूसरा ट्रांसलेशन में कंफर्टर लिखा है, आई विल गिव यू अनदर कंफर्टर। कंफर्टर का काम क्या है? जो लोग परेशानी में हैं, उनको जाके तसली का बातें बोलना है। One who is distressed, one who is in trouble. The work of the helper is, comforter is, going to him and comforting him. This is one ministry of the Holy Spirit. And this is something we all need again and again. Sometimes small things can disturb us. So that time, this Holy Spirit of God comes to comfort us, encourage us. तो एलिजा के बारे में हम पढ़ते हैं। एलिजा के बारे में हम पढ़ते हैं। जब आहाब का पत्नी इसबेल बोला है, कल तुम्हारे जीवन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो भाग के एक झाड़ के नीचे जाके लेट गया। उधर हम पढ़ते हैं पवित्र एक स्वर्गदूत उधर जाके उनको खाना दिया, पानी दिया और उनको प्रोत्साहन दिया, आगे का सेवा के बारे में उसको बता के दिया। ये है पवित्र आत्मा का काम। पवित्र आत्मा हमको जीवन में जब हम निराश होते हैं, दुखित होते हैं, गिरते हैं, कमजोर होते हैं, तब हमको तसली देना, बल देना, ताकत देना, सहायता पहुंचना, ये सब पवित्र आत्मा का काम है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु ने इस काम के लिए पवित्र आत्मा को दुनिया में भेजा है, अपने लोगों को पवित्र आत्मा को दिया है, क्योंकि उनको मालूम है इधर ऐसा बहुत बातें हैं, हमें निराशा में लाने वाला, हमें कमजोर करने वाला, हमें कंफ्यूज करने वाला, हमें निर्बल करने वाला, ऐसा बहुत बातें जीवन में है, होगा, विश्वासी के जीवन में होगा। इसलिए प्रभु का पवित्र आत्मा हमको बल और शक्ति देता है, वो हमारा सहायक, वो हमको तसली देने वाला, ही इज अ कंफर्टर। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंडली वर्स 13, the second ministry of the Holy Spirit. What is the exact work of the Holy Spirit today? Verse 13 says, however, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. Aap
1 3. परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएंगे, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। इधर सत्य का आत्मा, इसका दूसरा नाम है और उनका सेवकाई इधर है, सब सत्य का मार्ग बताएगा। He will guide you into all truth. हम जानते हैं ये दुनिया असत्य से भरा हुआ दुनिया। मैं थोड़े समय पहले बताया, there is some truth in all falsehood, but in truth there is no falsehood. सारे झूठों में थोड़ा असत्य रहेगा, छुपा के रखा है, नहीं है तो कोई नहीं लेगा। फिर सत्य के अंदर कोई झूठ नहीं रह सकता है। बाइबल सत्य है, प्रभु का वचन सत्य है। राज हम जानते हैं कितना प्रकार का गलत उपदेश सिखाने वाले लोग हैं उनके बीच में। सत्य के मार्ग में आगे बढ़ना है तो निरंतर हम पवित्र आत्मा का संपर्क में रहना पड़ेगा और प्रभु को बार बार प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु हमें सत्य के रास्ते में चलाइए। इसलिए पवित्र आत्मा का एक काम है हमें सत्य के मार्ग में चलाना। प्रभु कभी कभी बहुत अद्भुत रीति में ये करते हैं, कुछ पुस्तक के द्वारा, कुछ व्यक्ति के द्वारा, कुछ संदेश के द्वारा। हमें उस समय कौन सा बात का जरूरत है, कौन सा सत्य का जरूरत है, प्रभु हमें सुनाते। इसलिए हम संभाल के दुनिया में जीना और निरंतर पवित्र आत्मा के संपर्क में रहना है, ताकि हम कोई भी झूठ में जाके बस न जाए। So that we have to be careful. Okay, that is the second ministry of the Holy Spirit. अभी हम chapter 14 में जाएंगे, chapter 14 verse 17. Even the spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But ye know him, for he dwells with you and shall be in you. अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, तुम में होगा। तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर रहता है। हमको मालूम है ये हवा थोड़ा हमारे अंदर रहता है, बाकी हमारे साथ रहता है। और पवित्र आत्मा भी इसी प्रकार हमारे साथ रहता है,
उसी समय हमारे अंदर भी रहता है। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करते हैं, हमारे अंदर वास करते हैं। और हमारे जीवन में जब हम प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु पवित्र आत्मा में हमारे अंदर आ गया, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। पौलुस प्रेरितों का काम 17 अध्याय में बोला, ईश्वर मनुष्य का हाथों से बनाया हुआ मंदिरों में नहीं रहता है। फिर कौन सा मंदिर में रहेंगे? मनुष्य का हाथ से बनाया हुआ मंदिरों में नहीं रहेगा, फिर कौन सा मंदिरों में रहेंगे? अपने हाथ से, ईश्वर का हाथ से बनाया हुआ मंदिर, वो है आपका शरीर और मेरा शरीर। इस शरीर के अंदर इतना नास्तिक हमारे अंदर वास करना चाहते हैं। तो साथ साथ इधर दूसरा बात है, हमारे साथ रहता है, ये पवित्र आत्मा का तीसरा काम है। उसी अध्याय 14:26 But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इस कलम का दो प्रकार का एप्लीकेशन है, एक है इमीडिएट एंड द अदर इज फ्यूचर। दो प्रकार का एप्लीकेशन है उनके जीवन में। इसका अर्थ क्या था, इसका काम क्या था? और बाद में जितने विश्वासी लोग आज तक दुनिया में जिए हैं उनके लिए इस वचन का क्या मतलब है? इधर दो बातें हम देखते हैं। पवित्र आत्मा क्या करेंगे? तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जैसा मैं हम पहले देखा है, प्रभु उनके शिष्यों को बहुत बातें सिखाना चाहता था। उन लोग मानसिक रीति में, आत्मिक रीति में सीखने के लिए तैयार नहीं। इसलिए प्रभु बोला, स्वर्ग का बहुत बातें मैं तुमको सिखाना चाहता था, बहुत आत्मिक बातें सिखाना चाहता था। तुम उस तैयारी में नहीं था, इसलिए मैं तुमको सीख नहीं सका। फिर पवित्र आत्मा आएंगे, वो तुम्हें सब बातें सिखाएंगे। और पत्रियों लिखने में, फॉर द राइटिंग ऑफ द एपिसल्स, दिस इज व्हाट हैपन, दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा नया नियम का पत्रियां लिखने के लिए इन शिष्यों को सिखाया। ये 2000 साल दुनिया में हजारों भाषा में अनुवाद करके करोड़ों लोग पढ़ते हुए बातें इन लोग कैसे लिख सकते हैं? पवित्र आत्मा उनको सिखाया। दूसरा बात इधर है, जो कुछ मैं तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा।
ये सुवार्ता लिखने के लिए उनको पवित्र आत्मा विशेष मदद किया। कम से कम 30 साल के बाद यीशु के साथ रह के उनका वचन सुने हुए लोग 30 साल के बाद सुवार्ता लिखने के लिए कोशिश करते समय में सब कुछ बराबर याद में नहीं रहेगा। फिर इन लोग कैसा लिखा, उधर पवित्र आत्मा का काम है, उनको यीशु उनको बताया हुआ बातें, कहा हुआ बातें उनके स्मरण में ला के दिया। मैं बोला है ये तुरंत इमीडिएट फुलफिलमेंट। राज ये कलम हमारे जीवन में क्या असर है, ये हमारे जीवन में भी इसका मतलब है। इन आवर लाइफ नो दैट इज वन गुड थिंग गॉड इज डूइंग विद हिज चिल्ड्रन, हेल्पिंग अस टू लर्न न्यू थिंग्स, helping us to learn spiritual things. He is teaching us. When we read the word of God, when we study the word of God, God, the Holy Spirit is teaching us. Secondly, when we want to remember what we learned, there the Holy Spirit can help us. Probably we learned and forgot long back, but the Holy Spirit can bring it into our memory. And in the writing of the New Testament, one more thing the Holy Spirit did. We come to chapter 16, verse 13. आखिरी भाग में ऐसा लिखा है 16 का 13 का आखिरी भाग, ही विल टेल यू थिंग्स टू कम, आने वाला बातें तुमको सिखाएंगे बताएंगे, आने वाला बातें। नया नियम में भी बहुत भविष्यवाणियां हैं, ये भविष्यवाणियां कैसा लिख के दिया है, इसका कारण है पवित्र आत्मा आने वाला बातें उनको बता के दिया। विशेष करके आखिरी पुस्तक आने वाला बातें हैं, ये पुस्तक लिखने के लिए पवित्र आत्मा कैसा मदद किया। चलिए, न्यू टेस्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज हिस्ट्री, द होली स्पिरिट हेल्प देम टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन द पास्ट and they wrote it down. The second is teaching, doctrines, and the Holy Spirit helped the apostles to write the truths. Satya ko likhne ke liye unko madad kiya. लास्ट पार्ट है प्रोफेसी, वो भी लिखने के लिए पवित्र आत्मा मदद किया। इसलिए पवित्र आत्मा का सेवकाई बाइबल लिखने के संबंध में, बाइबल लिखने के नया नियम लिखने के संबंध में कैसा लोगों को मदद किया, इधर 3 बातें दिया है। पहला बात, काफी साल पहले उन लोग सुना हुआ बातें उनके याद में लाया, सुवार्ताएं लिखने के लिए उनको इस जगह में मदद मिला। दूसरा है द होली स्पिरिट स्टार्टेड टीचिंग देम, उनको सिखाया
ये पत्रियों लिखने में और आने वाले बातें बता के देगा ये प्रगटीकरण के बारे में। इसलिए कंप्लीट न्यू टेस्टमेंट लिखने में पवित्र आत्मा का योगदान, यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो ये लिख नहीं सकता। आत्मा से प्रेरित होके शिष्यों ने ये पुस्तक सब लिखा है। ओके, 15-26 But when the helper comes, whom shall I send you from the Father? The Spirit of truth proceeds from the Father. He will testify of me. मेरे बारे में साक्षी देगा। 15:26 परंतु जब सहायक आएगा इसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। इसलिए पवित्र आत्मा का मुख्य काम है यीशु मसीह के बारे में गवाही देना, अपने बारे में नहीं। यीशु को प्रशंसा देना है, यीशु के बारे में प्रचार करना है, यह पवित्र आत्मा का काम है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उनके बारे में ज्यादा बोलने से पिता के बारे में बताया। अभी इधर आज पवित्र आत्मा उनके बारे में ज्यादा बोलने से पुत्र के बारे में, यीशु के बारे में बोल रहा है। फिर एक सवाल आएगा, पवित्र आत्मा के बारे में कब बोलेंगे? पवित्र आत्मा जब उसका काम सब पूरा करके मंडली को आखिरी में स्वर्ग में प्रभु के सामने प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद उनके बारे में, उनका सेवाई के बारे में प्रशंसा हो जाए। अभी आखिरी बात, ये पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ सर्वदा रहने के लिए भेजा हुआ है। 14:16 में लिखा है, He will be with you always. और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इसे हमको क्या सीखने का है? पवित्र आत्मा वापस मंडली के साथ ही जा सकता है। जब तक मंडली पूरा नहीं हुआ, पवित्र आत्मा को इधर रहना पड़ेगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहने के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा को आज का समय को देखे हम बोल सकते हैं 2000 साल के लिए यदि ये समय आगे बढ़ेंगे हमको मालूम नहीं है। तो लंबा समय का सेवाई के लिए, मंडली को तैयार करने के लिए, आखिरी में इस मंडली को लेके प्रभु के सामने प्रस्तुत करने के लिए, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी पवित्र आत्मा का है। इसलिए प्रभु का ये पवित्र आत्मा मंडली को साथ में लेके वापस जा सकता है।
इसलिए आज वर्तमान में पवित्र आत्मा इस दुनिया में हमारे साथ है, जैसा हम पहले देखा है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है। चलिए प्रभु का आत्मा इस दुनिया में वर्तमान में भी उनका काम आगे बढ़ा रहा है। ये काम जल्दी पूरा हो जाएंगे। मंडली का आखिरी विश्वासी मंडली के साथ जुड़ जाने के बाद इस मंडली को इधर से प्रभु के पास पहुंचाने का काम पवित्र आत्मा का, तब तक पवित्र आत्मा इधर है। अगले हफ्ता भी प्रभु का इच्छा है तो हम पवित्र आत्मा के बारे में और कुछ बातें देखेंगे। आज मैं इधर पूरा करना चाहता हूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करें और हम समझ लें प्रभु हमारे ऊपर कितना ध्यान रखते हैं। त्रियग ईश्वर में से एक पवित्र आत्मा तीसरा व्यक्ति, उनको ये काम सौंप दिया है विश्वासियों को इस दुनिया में संभालने के लिए, मंडली को चलाने के लिए, दूसरे नए लोगों को मंडली में जोड़ने के लिए, सब पवित्र आत्मा का काम है। चलिए हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर और हमारे साथ रहकर आज भी दुनिया में जो काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे द्वारा दूसरों के लिए काम कर रहा है, ये सब काम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का नाम का महिमा हो।